आंबेडकरांचा महाराष्ट्र खडबुचला उठवा ताकडा वेळ आली पुन्हा सडसडू दे नवी चेतना गावा शहरात घुमली गर्जना राष्ट्रवादी पुन्हा साध हक्काची माझ्या बळीराजाला शरद पवार पुन्हा शहरात घुमली गर्जना राष्ट्रवादी पुन्हा साध हक्काची माझ्या बळीराजाला शरद पवार पुन्हा उद्योगाला दिली चालना फुले शाहू आंबेडकरांचा महाराष्ट्र खडबुचला उठवा ताकडा वेळ आली पुन्हा सडसडू दे नवी चेतना गावा शहरात घुमली गर्जना राष्ट्रवादी पुन्हा साध हक्काची माझ्या बळीराजाला शरद पवार पुन्हा बेलापुर विधानसभा क्षेत्र से चुनावी रण में एनसीपी गुट के महाविकास आघाड़ी के अधिकृत उम्मीदवार संदीप नाइक ने आज ऐसे विराट शक्ति प्रदर्शन के साथ नेरुल स्थित आगरीकोली भवन में अपना नामांकन दाखिल कर चुनाव का सही रूप से बिगुल बजाया। इस मौके पर उद्धव बालासाहेब ठाकरे, शिवसेना के जिलाध्यक्ष विट्ठल मोरे, नवी मुंबई कांग्रेस जिलाध्यक्ष अनिल कौशिक, एनसीपी जिलाध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल, महिला जिलाध्यक्ष सलूजा सुतार, दशरथ भगत, वैभव नाइक और तमाम मुख्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी तादाद में उपस्थित थे। लोगों की भारी भीड़ थी। महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार संदीप नाइक को समर्थन मिलता नजर आया। आगरीकोली से लेकर बंजारा समाज के लोगों का रैली में गजब का उत्साह दिखा। गावा शहरात घुमली गर्जना राष्ट्रवादी पुन्हा साध हक्काची माझ्या बळीराजाला शरद पवार पुन्हा इस मौके पर संदीप नाइक बहुत खुश नजर आए। महाविकास आघाड़ी के मित्र पक्ष सभी नेता सभी पदाधिकारी सबका यहाँ पे मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आज नवी मुंबई बेलापुर मतदार संघ में लोगों के मन का आमदार चुन के आना चाहिए, ये सभी नागरिकों की धारणा है। महाविकास आघाड़ी के तीनों घट पक्ष के सभी नेता सभी पदाधिकारी काफी बड़ी संख्या में आज उत्साह के साथ एक बदलाव के लिए इस रैली में शामिल हुए हैं। सभी ने निर्धार व्यक्त किया है कि हम महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार को चुन के देंगे। महाराष्ट्र में लोकशाही आने के लिए और महाराष्ट्र के डेवलपमेंट होने के लिए एक एक विधायक चुन के आना जरूरी है और इसके लिए सभी महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने कार्यकर्ताओं ने निर्धार किया है। मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ कि नवी मुंबई बेलापुर मतदार संघ में अब अगर आप देखेंगे तो लोगों का नागरिकों का अनादर हुआ है, कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं हुआ है। नवी मुंबई के हित में जो काम करने की आवश्यकता थी, लोगों को विश्वास में लेने की आवश्यकता थी, लोगों के बीच में जाने की आवश्यकता थी, नवी मुंबई के शहर हो, गांव हो, स्लम हो, उसी सभी समाज के सभी धर्म के लोग इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहते हैं, इस विधानसभा में रहते हैं। तो लोगों से आप संवाद नहीं करेंगे, सिर्फ एमएलए बनने के लिए आप चुनाव लड़ेंगे और जीत के लिए देखेंगे, तो इसमें ये चीज नागरिकों को मंजूर नहीं है, इस शहर को मंजूर नहीं है। आपको अगर लोक प्रतिनिधि के दौर अगर शहर में काम करना है, विधायक के दौर काम करना है, तो आपको लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, लोगों का सुनना पड़ेगा और लोगों को किस तरीके का विकास शहर में अपेक्षित है वैसा संतुलित विकास शहर में होना चाहिए। वो शहर में होना चाहिए, गांवों में होना चाहिए, स्लम में होना चाहिए और ये अभाव इस 10 साल में बेलापुर मतदार संघ में सभी नागरिकों ने महसूस किया है। और आज जो लोग, आज जो कार्यकर्ता जो आज इस
पर्चा भरने के लिए आए, उसमें पक्ष के तो पदाधिकारी हैं ही, लेकिन सर्वसामान्य नागरिक, अलग अलग समाज के लोग भी आज यहाँ पे सम्मिलित हुए, तो उनकी धारणा है कि बेलापुर मतदार संघ में बदलाव होना चाहिए। हमें लोगों से बात करने वाला, लोगों की सुनने वाला, लोगों के सम्मान करने वाला उनको उम्मीदवार चाहिए, और ये सभी निर्धार आज महाविकास आघाड़ी के सभी कार्यकर्ताओं ने किया है। मैं सभी महाविकास आघाड़ी के सभी नेतागण, सभी जिला अध्यक्ष, सभी पदाधिकारी, सभी माजी नगर सेवक, सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। ब्यूरो इनपुट, ईडब्ल्यू नेटवर्क, ब्यूरो रिपोर्ट, FS न्यूज, नेरूल, नवी मुंबई।